तो कुछ देख लियो बंदर लाइन लाइन बना दी पिछो बैठ के लपड़ ली है। तो हेलो गाइस, और आप सब कैसे, उम्मीद करूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर परिवार भी सबका बहुत बढ़िया होगा। तो मैं फिर से स्वागत करूँ आप सबका मेरा एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम जाना था घर खतर, क्योंकि कल अपन मेरा है इवेंट में जाना है। तो इस चक्कर में आज मैं घर तक निकल रही हूँ, घर तक हूँ सॉरी पत्थर निकल रही हूँ। अभी सुबह सुबह गई थी मैं ड्यूटी पे, 7 बजे जा ली थी और 1 बजे ये बजे नजारे 2, तो 1 बजे मैं वापस आ ली थी, क्योंकि जल्दी निमट गई थी मेरा, जल्दी जल्दी मेरा काम निपटवा के और जल्दी आ गई थी मैं। तो फिर मैंने घर निकलना था और आज सैटरडे था, मैंने मेरा है तो कल इवेंट में जाना है, तो इस चक्कर में मैं निकल रही हूँ। और साथ में आज मैं साड़ी पहन के निकल रही हूँ। इस साड़ी का भाई ब्लाउज ही लिया कौन था, तो था मैंने ब्लाउज दिखने लग रहा होगा, तो ये ब्लाउज था मैंने याद भी आ गया होगा। यो मेरा एक लहंगा था, उस लहंगा का ब्लाउज डाल रखा मैंने, क्योंकि यह साड़ी थी ना या सूर्य इसलिए कहा गया, परसों उठा के ना देख लो परसों साड़ी लिया इसका बल ब्लाउज ब्लू में सील कर रहा था, यो बोले यह साड़ी डाल, तो फिर मैंने सोची क्या डाल इसको, साड़ी तो पहली बार डाली। हाँ, तो इसको कड़ा ब्लाउज आ रहा है, लेकिन मैंने रेड कलर का मेरे पास क्यों सिंवा ली थी, खोखड़िया गाँव है नहीं जी, पहली बार जा रही हूँ गाँव में, मैंने पता नहीं, बाकी नहीं की बुआ जी हो रहे हैं तो थोड़ी बहुत पता भी हो, मतलब खोखड़िया पता नहीं गोगड़िया। अच्छा 10 साल पहले जा रही है, 13-14 साल पहले गाँव में भी गया था, लेकिन चलो कोई ना कल चल पड़ी दोबारा, ठीक है 13-14-15 साल हो गए। और बाकी आप सब मुझे बताइयो कि गोगड़िया गांव का कौन सा है कि, तो वो तो कमेंट में जरूर बताइयो। और कल आप मृत भाई मैं तो मिला नहीं, बल्कि मैंने आप तो मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, तो आप कल जरूर आइयो ताकि मैं आप तो मिलकर मैंने बहुत अच्छा फील हो। तो ये मम्मी निकल ली हाँ, जो बहुत जल्दी जाके मिलेंगे। और साथ में मैंने 2-3 और कुछ काम थे भाई, आईब्रो बनवानी थी वो मैंने बनवाई नहीं अभी तक, तो सोच रही थी ये बोल रहे जींद कर लियो सोनी पत्थर रहने दे, तो जानती आ नहीं भाई मेरे जेठ के छोरन लेके चलूँगी साथ में। आई भैंस आ गई, देखो कितनी सारी भैंस आ गई, ये भैंस है क्या, भैंस है ये भैंस, आपको क्या लग रहा है भैंस होते हैं, और काली काली भैंस होती है, अच्छा काले बड़े कुत्ते के बच्चे, अच्छा कुत्ते के बच्चे लग रहे हैं आपको, तो भाई मेरे जेठ का सुरन लेके जाऊंगी साथ में काली इवेंट में, चल पड़ा कर कि मैं भाई मेरा जी लाग जाऊ, अगर आऊंगा ना तो उसके लिए खेल ही जाऊँ, क्यों भाई बालक सी हूँ मतलब अच्छा सा लग भाई, बालक का लोग खेलना बहुत अच्छा लगे अगर, तो इस चक्कर में उन्हें लेकर जान लग रही हूँ। तो फोन कर दिया आपने दीदी को, बस सरप्राइज सरप्राइज देते है भैया, कौन सी लैंग्वेज से पता नहीं, बाकी इन्होंने बोली अचानक सरप्राइज देते हैं, सरप्राइज दे रहे खाने वाली चीज, खाने का तो लाड़ा है पूरा नहीं। तो फूल आ चुकी है, बारिश दे लो भाई, वाई पर भी काम कौन करने लग रहा है, हम पूछे यहाँ गुआना और जमा फूल बरसने लग रहा है जमा, देख लो वाई पर वही पर कुछ काम नहीं करता, रागा भी देखो और घनी देर का बरसा सी नो पानी देखो कितना चढ़ रहा है, दिखा है सब एक दो ज्यादा आया गी, देखो जमा जमा रोड ठुके पड़े है, सो नहीं पता तो काम नहीं कट रहा था यार, एक सिंगल बूंद भी ना आ रही, देखियो सुखा बड़े सब कुछ छड़े, तो गुआना तो 5-6 किलोमीटर आगे आया और आ गई धूप कसूती, तो पता नहीं भगवान भी के नजारे दिखा रहे, गंगाना आ रहे हैं देख लो, तो देखो पता नहीं के दिखा रहे नजारे, और बादल देखो कितने प्यारे लगन लग रहे हैं, जो उनके नहीं पहाड़ हैं, पहाड़ जान लग रहे हैं, देखिए कितनी प्यारी लुकिंग है सिनू, देखी भाई इसका आँखा में लगन लगा चमकारा है, अरे ओ पहने का चश्मा पहन लिया भाई, आई फ्लू हो धूप तो आई फ्लू होगा, दोबारा आ रहा है आई फ्लू, फिर अपने में 7-8 हो रहे हैं, 2-3 हो रहे हैं, दोबारा आ गया पता नहीं, दोबारा स्टार्ट हो गया,
बहुत जा लिया बेउड़ बया को नहीं फ्रूट फ्रूट लैन जा रहा है के लिया होगा आनन लग रहा उड़े ही दिखी बीच में रोड जाएगी और भी सा कोई और ना भी देख ले हेलो मेरा चांद हेलो हेलो कैसा है मेरा गुगु मुगड़ देखो हाँ नमस्ते नमस्ते तो भाई ये मेरे दीदी लक्ष्य अयो इसका भाई काल एग्जाम में चला था घरा ओ लालू लालू इसका पेपर पेपर सुसोमान है तो इस चक्कर में उधर छोड़ के जावा हाँ मना घरा लेके जावा थे तो और दीदी बाबी देवर करना रही बात देखिए देखने लग रही मैच चलो मेरा लुकी है आज का ब्राउथान बताऊं तू दूसरा अठा रखे है मैंने शड़ी सुरेश सुरेश ने बांधी थी अरे दीदी ने दोबारा रिपीट करी है जाओ जी पानी देख दीदी ने रिपीट करी है तो बीच में लेने लग गया मैं केड़े पे बंदरा खातर क्योंकि जीन तो निकलती है मैं बंदर मिले आग रहे हैं ये बताई उड़े कड़े वो घेरा दिखिए रास्ता को पानी गिरने लग रही है वाह रोड को पानी गुण घेरा करा फिर देखिए वो जींद का रोड के बीच में पानी गिरने लग रही पता नहीं आंटी पता नहीं भाई कोई सगुन सगुन क्यों अगर बताइए थमी थारा गिरिया करेंगे तो ये हमारे केले हो रहे हैं दाऊ डाल दिए भाई देख रोड पर ना जाओ सीनू रोड के साइड में रहा थोड़ी और आगे जाए नीचे रोड का नहीं क्यों जान लग रही पीछे हाथ में पकड़ा दे आज जी सीनू आना हाथों लाई ये तू क्यों करा है गड़ाई मच गई नहीं की बता दे आज आगे दिखाएंगे जी अगर आगे पाजेंगे राजा शीशा तैर के ढंग सर देखो नहीं ऊपर ठाथ ना आप जगह तो कुछ देख लियो बंदर लाइन लाइन बना दी नीचे नहीं उतरा नीचे भी उतरा जान लग रहा इस साइड में जाने ला सुनू बेरा ऑर्डर लागा कॉल जानी
तो गाइस आज तो ना मैंने पढ़ लेंदे बंदर मैं यूं यूं बच गई रही तक भी है ना ईव तक भी मेरा यूं हो रहा है और यो ना खुद तो डरा था मैंने नुका अगर ओले तो बंदर पढ़ ले यार इतने इतने सौ बंदर है बता मैंने अगर क्यों करते मैंने पढ़ लिया तो और तो नो कर कौन था मैं वीडियो बनाने का तो पीछा ना होगी तो मैंने भी पीछा ना हटना पड़ा तो तुम अरे ओए चल कोई बात ना बंदर तो डर को लगा कहता पहाड़ी भी लड़ाओ इतना मोटा मोटा मुंह वाला बल्लू बल्लू हां जो मस्त धक्का तो कोस ले नहीं यार चाद दिन के लिए थे और जिसमें तो पता क्यों है एक आधा तो इतना मोटा मोटा गुल्लड़ सोया है जिसने पांच पांच छह तेरा का माइंड ब्रेकर होना चाहिए हां बना दिया बना दिया एक आधा तो इस तरीके वाला आया है जिसको मेरा पांच पांच छह एक एक ने दे दिए कि वो इतना मोटा मुंह तो है और डरावने से लगा क्लियर जी दिया जाओ साड़ी कहानी मैंने कहा मेरे शहरी पड़ गए हैं मैंने पड़ गए हैं लेकिन बाकी हो गया है सही लेकिन मैंने डर बहुत लगा लेकिन इस साइड वाला एक ग्रुप रह गया भैया मैं लास्ट लेकिन भाई आड़ा तो नो तो ग्रुप भी चला भी रहेगा मैं दिक्कत की हुई है कई तो गुल्लू से जुन से 10 10 खा गए अब तो यहां पर लेगन पड़े हां याड़ा ना कम तक तो दो तीन क्रेट दो तीन में कौन काम दो तीन में काम हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा बंदर है और तो कम तक अपने दो तीन कुंटल लिया ज्यादा जुन में आके होता है इनके तो चार कुंटल लिया जी का काम चले ना ग्रुप का 4.5 थी उसके बाद फिर खच के ले दूसरे बारी अगली बार ऊपर गले नहीं पड़ेगा गड्डी में मतलब पर बक डर लगा बहुत ज्यादा डर 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 महसूस हुआ मुझे बहुत ज्यादा तो ये वीडियो बनाने का बहाना है मैंने गाड़ी ले ली है वीडियो का तो बहाना था और वैसे ही मेरा ड्राइविंग करने का बहुत मन कर रहा था लेकिन ये बोला साड़ी है साड़ी में दुखी हो जाओगी तो इस चक्कर में देव कौन था लेकिन मैंने ले ली तो दो तीन तो वीडियो बनवाई और बाकी अभी तक तो चलाने लग रही हूँ पता नहीं कब मेरा सीट बेल्ट खुलवा ले कुछ नहीं पता तेज बजाऊं ना तो नुका ना इतनी स्पीड में कौन चलाया कर अरे नुका लेट पहुंचाई आप तो बड़े स्पीड पर नहीं थी तो बताओ इतना कंट्रोल में चलानी चाहिए भाई आप बाय चांस से एकदम कोई बच्चा है जाए कुछ साधना है ये भी आवाज बोल गया ना कंट्रोल में चलानी चाहिए अरे नुका को था 20 किलोमीटर पर 1.5 घंटा लगा दिया तो इतना बड़ा झूठा आदमी है मेरी तो सुन ले हां तू करे 1.5 किलोमीटर 20 किलोमीटर में 1.5 घंटा लग गया टाइम तो बहुत ज्यादा है कंट्रोल में चलाओगी तो भी है ना तो भी के 1.5 घंटा लगा सोच बढ़िया है 20 किलोमीटर में यो है वो कटरन का फद्दू और कुछ नहीं है ठीक है मैं तो 15 घंटे में पहुंचाऊं ठीक है आगे तो एक बात ध्यान रख लियो मैं मेरी गाड़ी निकलवाऊं मैं तो मैं मेरी गाड़ी चला मैं लेके आ करूंगा तू तेरी गाड़ी लेके आया करिए ठीक है अलग अलग है बिल्कुल अलग तो ब्रेक काम कर लिया मैं हां बोल बट पाछे टोचन कर लिया तो मेरा क्यों कर लिया करगा मैं मेरी गाड़ी का लगा दूं तो मेरा तेल को लगा आधन लान दी टोचन तो बंद लगी नुक कर बंद लगी गाइस बेसिक रिचार्ज बात पे यार नु थोड़ी नो आकर है ठीक है तो पापा प्री जो है ना वो सीट लग रहा गाड़ी पापा प्री तो बहुत बढ़िया चला मैं पापा प्री तो आवाज ननु बता पापा ही प्री तो ना आवाज आज बुढ़ा हूं बात ना दिखती था मैं किसी ने मेरी तो सुन ले बात पापा ही प्री पापा ही प्री पापा की प्रिया होते ना वो गाड़ी कई बार उनकी वीडियो है इंस्टाग्राम पे पापा प्री वो स्कूटी चलाने लग रही है ऐसे कुछ उड़ ले जी उसने जब कांद पे ऊपर चढ़ा दी ना ये चीज दिखी था मैंने चल स्कूटी तो रियल में स्कूटी का बैलेंस नहीं होता 30 टाइप की है वो ठीक है और या पास हमें दिख जावे है या कौन दिखती तो हमें हाईवे के ऊपर है
पुलखो पता उंदला ही पाओगे गाड़ी ने नहीं चलवा दू तूफान हो आप तो तूफान आपकी बीबी से कोई लड़ाई करके आज तक जीते आ गया यूं तोड़ना चुनू फिर लड़कियां की बात है यार चुनू बीवी की बात नहीं है लड़की जात की बात है लड़की जात का तो दोनों सुन चुकू मैं आप वो मैं लड़की जात को मैं गलत नहीं बता रहा मैं सिर्फ ड्राइविंग के लिए बोल रहा हूँ जो ड्राइविंग स्किल है ना लड़कियों की वो थोड़ी आले दर्जे की होती है वो तीन अलग एक बात होता है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट पाओगे लड़कियां 2% होंगे लड़का ही पाओ सारे सारे 2% चलाओ तो 2% ना सारी चलाओ लड़की कौन ना चलाता जो थार पर गिवाना चलाना देते वाला जिंदगी बात याद कर जिंदगी में छोरी स्कॉर्पियो ले रही थी डिपर तो उसने राइट साइड कर दिया आप सीधे चलो आए अरे एकदम मोड़ दी उसने लेफ्ट साइड में गलती तभी हो जाए वो लड़का कौन देखा था ना जो दोनों डिपर रुकने वाला चला रहा था एक बात तो अभी वो जो गाड़ी वाली ने तो गाइस अब पहुंच गए हैं अपने घर पे माता देख कूकर बाज जा देखिए ये पड़ेगी नु तो पांदो कंधे गए देख बड़का ही खुश हूं देख मटक दी आवाज बची राजी हो रही है पूरी केड़ा देवी कला चल रही है तो हां मैं आ गई थी घर पहुंचने के बाद ये हमारी सूटा है सूटा सुना दे नहीं ताजा है सुना क्यों नहीं ताजा तेरे को बताऊं नहीं ताजा यार चुप कर आज तमने 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 के बागेश्वर वाले बाबा की बाप वो वीडियो वायरल हो रही थी वो देखी होगी एक बंदा ओ बाबा तो फंस लिया बाबा कौन फंस गया कोई गलती कौन सी वो जो बंदा ना भूले ना पूरी वीडियो है कौन देख मेरी बात तो सुन ले ना वीडियो है कौन देख क्या देखिए सुन स्टॉप पर देखी तू अब स्टॉप देख मेरी बात तो सुन ले एक मिनट मैं YouTube पर वीडियो कौन देख ले मानने लगे बाबा के खिलाफ बोलने नहीं देने लग रही मड़ा भी पापा गए बाहर ये माँ बैठी लग रही दोनों मम्मी की करो तेरे तो मुझे मैं कड़ा दिखा मैं इसमें क्या चक्कर है अंधेरा कितना सा अच्छा लाइट अच्छा और अंधेरा मैं कुछ गोरी हूं मैं भी तो रकाली दिखन ला रही हूं अंधेरा है ना मैं बेलन ला रही हूं मौसी कर लाग रही है ओके अब फिर पेट बन गई तैयारी हो रही है बनाओ रोटी बनाओ अच्छा कूलर ला रहे हो तुम हमारे ना का लाइट हरी को इन्वर्टर पे कूलर बली बाजरा का नाच ना गो बोली नाच तो बोली माँ बोली बली बाजरा का नाच ना गो बोली नाच को नहीं बोलिया कर बली बली खिचड़ी बोलो बली बोलो मैं बली बाजरा की खिचड़ी बनावांगे